आज मैं आपको देने वाली हूँ इस MR को यूज करने के लिए एक ऐसा शानदार फॉर्मूला, इसको आप मैजिक फॉर्मूला कह दीजिए। इस फॉर्मूला को मैंने बहुत मेहनत से बनाया, इसको अगर आप एक बार रट लोगे ना, आपका इस MR का सेंटेंस कभी गलत नहीं हो सकता। आपको इस MR आ जाएगा कि कहां पर लगाना है। एफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं वाले, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन वाले, और लास्ट में मैं आपको दूंगी 10 सेंटेंसेस का एक प्रैक्टिस टेस्ट, ताकि समझ में आ जाए कितने पानी में हो। ठीक है, इस MR का वो मैजिक फॉर्मूला जिससे आप हजारों सेंटेंसेस आसानी से बना लेंगे, उसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन का कॉन्सेप्ट। वो क्या होता है, चुटकियों में समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। तो एक फर्स्ट पर्सन है, एक सेकंड पर्सन है, एक थर्ड पर्सन है। अब आप इसको आसानी से समझ जाएंगे, मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट पर्सन, सबसे पहले जो बंदा बात कर रहा है वो होता है फर्स्ट पर्सन। मैं बात कर रही हूँ तो मैं हो गई फर्स्ट पर्सन, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो जिससे बात कर रहे हो वो हो गया सेकंड पर्सन। ठीक है, और जिसके बारे में बात कर रहे हो, फर्स्ट मैं, सेकंड आप, और थर्ड बाकी के सारे लोग जिनके बारे में बात हो रही है। अब इसको याद रखने के लिए एक आसान सी ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले आप बताओ, दुनिया में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? आप खुद हो ना। तो इंसान की फितरत होती है, उसको लगता है मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, तो फर्स्ट पर्सन हो गई मैं। ठीक है, आप बस इतना याद रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? आप हो, तो आप फर्स्ट पर्सन हो गए। दूसरे नंबर पर इंपॉर्टेंट कौन है? जिससे बात कर रहे हो उसको आप यही दिखाते हो ना, मेरे बाद इंपॉर्टेंट आप हो, तो सेकंड नंबर पर इंपॉर्टेंट वो हो गया, तो वो सेकंड पर्सन हो गया। अब बाकी के सारे लोग तो थर्ड नंबर पे ही आएंगे ना, तो फर्स्ट मैं, सेकंड आप, और बाकी के सारे थर्ड। इस तरह से इसको याद कर लो। अब हम देखते हैं इस कॉन्सेप्ट में क्या है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन का एक वचन, एक वचन यानी कि एक, बहुवचन यानी कि ज्यादा। तो सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, मतलब कि एक बंदा या एक इंसान या कोई भी एक चीज। बहुवचन यानी कि प्लूरल, यानी कि एक से ज्यादा लोग। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन अगर एक है तो क्या, कौन हुआ वो? मैं, मैं अकेली हूं, मैं एक। अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन का बहुवचन है, तो वो कौन हुआ? इसका मतलब मेरे साथ दो चार लोग और हैं, हम लोग मिलकर कोई बात कह रहे हैं आप लोगों को, तो हम, मैं का प्लूरल हो गया हम। तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर हुआ आई, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल हुआ वी, क्योंकि हम हो गया। अब सेकंड पर्सन कौन थे? आप थे, यू। यू का सिंगुलर क्या हुआ? आप अगर एक इंसान हो तो यू हो गया, सेकंड पर्सन का सिंगुलर हो गया यू। अगर आप लोग ज्यादा हो, अगर मैं 10 लोगों से बात कह रही हूं, तो वो क्या हो गया? सेकंड पर्सन का प्लूरल, तब भी यू ही लिखा जाएगा, तो सेकंड पर्सन का प्लूरल हमारा हो गया यू। अब आता है थर्ड पर्सन, मेरे और आपके अलावा बाकी की सारी दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं, तो थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन का जो एक वचन है, यानी कि थर्ड पर्सन में कोई एक चीज, वो क्या हुआ? वो ही हो सकता है, ही तो थर्ड पर्सन है, मेरे और आपसे अलग है, शी भी कोई और है, इट भी कोई और है, पर एक है, दिस एक है, दैट एक है, कोई नाम है जैसे ना, मीना, कुछ भी नाम बोलो, वो एक हो गया। तो ये सारे क्या हो गए? थर्ड पर्सन के सिंगुलर हो गए, यानी कि थर्ड पर्सन का बहुवचन। अब थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या हुआ? ये लोग, वे वहां जा रहे हैं, तो वे कौन हुए? वे तो थर्ड पर्सन हो गए, मेरे और आपसे अलग हैं, वो लोग कहीं जा रहे हैं, तो वो लोग ज्यादा हो गए। दीज, ये चीजें, दोज, वो चीजें, चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चों की बात कर रहे हो, तो वो क्या हो गया? थर्ड पर्सन का प्लूरल। और बटरफ्लाईज, अगर हम कह रहे हैं तितलियां, तितलियां सुंदर हैं, तो तितलियां कौन हुई? मेरे और आपसे अलग हैं, थर्ड पर्सन का प्लूरल। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो। अगर अभी समझ नहीं आया तो थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा देखो, क्योंकि ये समझ नहीं आया तो फॉर्मूला भी समझ नहीं आएगा। तो अब हम आते हैं अपने मैजिक फॉर्मूला पे। ये है हमारा मैजिक फॉर्मूला, अब इस फॉर्मूला को समझते हैं। सबसे पहले इस देखो, इस आएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से होते हैं? हम, मेरे और आपके अलावा जो बाकी के लोग हैं, उनमें से सिंगुलर, उनमें से एक वचन, दूसरे लोगों से में से एक वचन। वो क्या क्या हो सकते हैं? ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, दिस हो सकता है, दैट हो सकता है, या फिर कोई नाम हो सकता है, पंकज हो सकता है, राहुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, ताजमहल हो सकता है, डॉग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एम जो आएगा वो आएगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन कौन थी? मैं हूं फर्स्ट पर्सन, मेरे लिए मैं हूं फर्स्ट पर्सन। ठीक है, मैं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आई। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो गया आई, तो एम जो है वो सिर्फ आई के साथ आएगा। आपको पता ही होगा कि आई के साथ सिर्फ एम आता है और एम सिर्फ आई के साथ आता है। अगला हो गया हमारा आर। आर किसके साथ आएगा? सेकंड पर्सन सिंगुलर। सेकंड पर्सन कौन हो? मैं फर्स्ट हूं, तो सेकंड आप हो, आप में से सिंगुलर, यानी कि आप अगर एक हो तो सेकंड पर्सन सिंगुलर क्या हो गया? यू। तो आपको इतना याद रखना है कि इस आएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर, एम आएगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आर आएगा सेकंड पर्सन सिंगुलर। पर गेम में एक छोटा सा ट्विस्ट है, वो ये कि इसके अलावा ये तो और किसी चीज के साथ नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, लेकिन जो आर है
वो बाकी के सारे प्लूरल्स के साथ भी आएगा, प्लूरल, ऑल प्लूरल। मतलब ये कि इज आएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, एम आएगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ, आर आएगा सेकंड पर्सन सिंगुलर के साथ, लेकिन जितने भी प्लूरल होंगे, अगर आप लोग एक से ज्यादा हो तो उसके साथ भी आर, हम अगर एक से ज्यादा तो उसके साथ भी आर, वो लोग अगर एक से ज्यादा तो उनके साथ भी आर, तीनों के साथ आर आएगा। यानी कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ भी आर, सेकंड पर्सन प्लूरल के साथ भी आर, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ भी आर। अब इस फॉर्मूला को रट लो, ये एक बार रट लिया आपका एक बार भी इज एम आर का सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करके देखते हैं। इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम ही लिखें तो ही के साथ क्या आएगा, ही के साथ आएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, तो ही के साथ आएगा इज। आई लिखती हूं तो आई के साथ क्या आएगा, एम। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन कौन है, चिल्ड्रन है थर्ड पर्सन प्लूरल, तो सारे प्लूरल्स के साथ क्या है, आर, चिल्ड्रन आर। अगर मैं दे लिखती हूं, दे कौन है, प्लूरल, प्लूरल में तो आंख बंद करके आर लिख देना, चाहे हम ज्यादा हो एक से, चाहे आप एक से ज्यादा हो, चाहे वो लोग एक से ज्यादा हो, तो दे आर, वी आर, यू आर, बॉयज आर, आई एम। थर्ड पर्सन का सिंगुलर, जैसे मैंने एक नाम लिया, सपोज करो पंकज लिखा, पंकज ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, मेरे और आपके अलावा कोई तीसरा है और उसका सिंगुलर है, तो पंकज इज, रमेश इज, डॉग इज, इस तरह से यूज होगा। अब हम इस शानदार फॉर्मूला को यूज करते हुए सेंटेंसेस बनाएंगे। मैं पीछे हट जाती हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस फॉर्मूला का। तो सिंपल सेंटेंसेस, एफर्मेटिव सेंटेंसेस जिसमें कि नहीं का इस्तेमाल नहीं किया जाता, उनके लिए हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है हमारा वही फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। सब्जेक्ट मैं भी हो सकती हूँ, आप लोग भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, आप सब भी हो सकते हैं, और थर्ड पर्सन भी हो सकता है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये सब है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आने के बाद, सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है, उसके बाद हम इस एम आर वो इसके हिसाब से सिलेक्ट करेंगे, इस फॉर्मूला के हिसाब से, और लास्ट में आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि जो बाकी का बचा हुआ सेंटेंस है। अब इस फॉर्मूला की हेल्प से हम ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे जिनमें कोई काम नहीं हो रहा, हम बस चीजों को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, उनके बारे में बताना चाहते हैं। अब देखिए यहां पर आई है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तो हमारा क्या रूल लगेगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तो एम आएगा। आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, एज बतानी हो तो आपको ऐसे सेंटेंसेस लिखने पड़ते हैं जिनमें कोई काम नहीं हो रहा। आई एम हैप्पी, आई एम एन इंडियन, अब ही क्या है हमारा, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमारा क्या आना था, इज, ही इज अ बॉय, आप मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड, आप बहुत अच्छे हो, यू आर वेरी नाइस, तो यहां पर यू आर वेरी नाइस, आपके बारे में बात हो रही है तो आप सब्जेक्ट हो, यू आर, आर आ गया हमारा इज एम आर में से, आर, वेरी नाइस, बहुत अच्छे हो। अगला सेंटेंस हम ले सकते हैं कि आप एक अमेरिकन हो, यू आर एन अमेरिकन, शी इज अ गर्ल, दैट, यहां पर दैट जो है, दैट है हमारा सब्जेक्ट, दैट के बारे में बात हो रही है, तो मैं कह सकती हूँ दैट इज अ कार, वो एक कार है, वो एक टॉय है, खिलौना है, तो मैं लिख सकती हूँ दैट इज अ कार। मनोज किसी लड़के का नाम है, हम अगर सिर्फ इतना बताना चाहते हैं मनोज लंबा है, मनोज इज टॉल, और मनोज के साथ मनोज क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन है, कोई तीसरा है और एक इंसान है, तो मनोज इज टॉल। इट के साथ, इट इज अ डॉग, ये एक कुत्ता है। हमें हर सेंटेंस में क्या फॉर्मूला लगाना है, बेसिकली सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा जिसके बारे में बात हो रही है, उसके बाद इस एम और आर में से एक चॉइस होगी, सब्जेक्ट प्लस इस एम आर में से कोई भी एक लगा देंगे, लास्ट में आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट जो कि हमारा बाकी का सेंटेंस है। अब हम कुछ सेंटेंसेस की बोल बोल कर ही प्रैक्टिस करेंगे। ये सेब हैं, दीज आर एप्पल्स, वो किताबें हैं, दोज आर बुक्स, वो चालाक है, ही इज क्लेवर, चाय गर्म है, द टी इज हॉट, पत्ते हरे हैं, द लीव्स आर ग्रीन,
सीमा भूखी है, सीमा इज हंग्री, आपको प्यास लगी है, यू आर थर्स्टी। इस तरह के सेंटेंसेस अब काफी हो गए। अब हम अगला तरीका देखते हैं कि हमें इज एम आर की हेल्प से नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें सिर्फ इतना करना होगा कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के बाद हम यहां पर लगा देंगे नॉट, ऑब्जेक्ट से पहले आ जाएगा नॉट, तो इसके बाद नॉट या एम के बाद नॉट या आर के बाद नॉट। इस तरह के कुछ सेंटेंसेस के एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, अगर हम कहना चाहते हैं सेब मीठा नहीं है, सब्जेक्ट है एप्पल जिसके बारे में बात हो रही है, एप्पल। एप्पल क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, क्योंकि वो एक है और वो कोई तीसरी चीज है। एप्पल इज, इसके बाद आगे हमारा नॉट, एप्पल इज नॉट स्वीट। वो चालाक नहीं है, ही इज नॉट क्लेवर। मेरी बिल्ली काली नहीं है, माई कैट इज नॉट ब्लैक। हम तैयार नहीं है, वी आर नॉट रेडी। मैं स्टूडेंट नहीं हूं, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। आप कैलकटा से नहीं हो, यू आर नॉट फ्रॉम कैलकटा। वो कुर्सी नहीं है, दैट इज नॉट अ चेयर। आप मेरे दोस्त नहीं हो, यू आर नॉट माई फ्रेंड। वो लोग मेरे दोस्त नहीं है, दे आर नॉट माई फ्रेंड्स। इस तरह से हम नॉट वाले सेंटेंसेस बनाएंगे। सिर्फ सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर में से आप सिलेक्ट कीजिए अपने फॉर्मूला से, उसके बाद लगा दीजिए नॉट और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट तरह का हम सेंटेंस करते हैं जिसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब देखते हैं कि उनको कैसे बनाएंगे। अब हम यूज करेंगे ये फॉर्मूला अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, यानी कि क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस बनाने के लिए। सबसे पहले आ जाएगा इज एम आर हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट अगर नॉट की जरूरत है तो, उसके बाद ऑब्जेक्ट। पहला एक सेंटेंस ले सकते हैं, क्या आप उसके दोस्त हो? आप क्या हो? आप हो सेकंड पर्सन सिंगुलर। सेकंड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या आएगा? आर। तो आर हमारा सब्जेक्ट है यू, आर यू उसके दोस्त हो, हिज फ्रेंड। तो आर आ गया सबसे पहले, क्वेश्चन है इसलिए, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया यू, उसके बाद नॉट नहीं है यहां पर, ऑब्जेक्ट हिज फ्रेंड क्वेश्चन मार्क। अगर मैंने बोला, मैंने कुछ बोला उसके बाद मैं बोल रही हूं, क्या मैं सही कह रही हूं? एम आई राइट? क्या मैं सही कह रही हूं? तो मैं हो गया हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। तो सबसे पहले आ गया एम, उसके बाद सब्जेक्ट एम आई, उसके बाद नॉट नहीं है, उसके बाद राइट, एम आई राइट। क्या वो चालाक नहीं है? तो वो क्या हो गया? थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो ही हो गया उसकी जगह। तो यहां पर आएगा इस के बाद सब्जेक्ट ही, नॉट क्या वो चालाक नहीं है, इज ही नॉट, उसके बाद क्लेवर। क्या पैनकेक्स टेस्टी हैं? आर पैनकेक्स डिलीशियस? क्या वो आपका दोस्त है? इज ही योर फ्रेंड? क्या आप मेरे दोस्त हो? आर यू माई फ्रेंड? क्या वो लंबा है? इज ही टॉल? क्या मैं सही हूं? एम आई राइट? क्या मैं इरिटेट करती हूँ? एम आई इरिटेटिंग? क्या मैं बेवकूफ हूँ? एम आई अ फूल? क्या वो भूखी है? इज शी हंग्री? क्या आप भूखे हो? आर यू हंग्री? क्या मैं भूखी हूँ? एम आई हंग्री? इस तरह से बनेंगे हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हमारे सिर्फ एक टाइप के सेंटेंसेस और रहते हैं, वो हैं डब्ल्यू एच फैमिली वाले। जैसे ये वाले जो जितने भी सवाल मैंने अभी तक कराए थे, इनमें क्या था? इनमें था कि हर सवाल का जवाब हाँ या ना में था। क्या वो भूखा है? हाँ या ना। पर ऐसे सवाल भी तो होते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं होता। जैसे अगर मैं बोलूं आप कहां पर हो, वेयर आर यू, तो सवाल जिनका जवाब हाँ या ना में ना हो, उनको कैसे बनाएंगे? उनके लिए हम इस एम आर से पहले डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड लगा देंगे क्वेश्चन सबसे पहले। तो डब्ल्यू एच फैमिली में क्या आता है? वाई, वॉट, वेयर, हाउ, ये सब आते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली के एक दो सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अगर मुझे कहना है आपका पेन कहां पर है, तो आपका पेन सब्जेक्ट है, ठीक है? आपका पेन क्या चीज है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसमें इज आएगा, ठीक है? सबसे पहले हम लगाएंगे आपका पेन कहां है। सबसे पहले तो हम कहां के लिए डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड लगा देंगे। वो क्यों लगाना है हमें? इस सवाल का जवाब कि आपका पेन कहां है, हम हाँ या ना में तो दे नहीं सकते, तो हमें डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपका पेन कहां है, तो हम कहां के लिए वेयर लगाएंगे, वेयर, उसके बाद इस एम आर में से आएगा इस, वेयर इज, सब्जेक्ट है आपका पेन, वेयर इज योर पेन, ठीक है? अगला हो सकता है आपका बर्थडे कब है, आपका बर्थडे कब है, तो बर्थडे, बर्थडे एक चीज है, थर्ड पर्सन सिंगुलर,
तो कब है, कब के लिए कब है, इसका मतलब हम हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, WH फैमिली यूज करना होगा। कब के लिए हम यूज करते हैं when को, when, तो मैं लिखूंगी when, बर्थडे के लिए यूज करूंगी इज, when इज और सब्जेक्ट क्या है आपका बर्थडे, when इज योर बर्थडे। ये क्या है, ये क्या है, जब अभी आप हाँ या ना में नहीं दे सकते तो क्या के लिए लगाएंगे what, ये के लिए यहां से लगाएंगे इज, व्हाट इज दिस। आप कैसे हो, आप हो गए सब्जेक्ट, आप क्योंकि सेकंड पर्सन हो तो आपके लिए क्या आएगा आर। कैसे, कैसे के लिए हमें लिखना पड़ेगा हाउ, हाउ उसके बाद आ गया आर, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यू, हाउ आर यू। इस तरह से बनेंगे हमारे WH फैमिली वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आई होप कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम आपके इसी कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस के लिए एक 10 सेंटेंसेस का छोटा सा टेस्ट करेंगे, तो क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार नहीं है तो वीडियो को रिवाइंड करो और कॉन्सेप्ट को फिर से समझो। अब हम शुरू करते हैं अपना टेस्ट। आपके ऑप्शंस हैं इज, एम, आर और आपको ब्लैंक्स फिलअप करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है डैश द विंडोज नॉट डर्टी और इसका आंसर है आर, आर द विंडोज नॉट डर्टी। सेकेंड सेंटेंस है हाउ डैश योर ब्रदर और इसका आंसर है इज, हाउ इज योर ब्रदर। थर्ड सेंटेंस है द बुक्स डैश न्यू, इसका आंसर है द बुक्स आर न्यू। फोर्थ सेंटेंस है द कप डैश फुल ऑफ मिल्क और इसका आंसर है द कप इज फुल ऑफ मिल्क। नेक्स्ट है आई डैश हंग्री, इसका आंसर है आई एम हंग्री। नेक्स्ट है डैश यू गोइंग होम और इसका आंसर है आर यू गोइंग होम। अगला सेंटेंस है राम एंड श्याम डैश फ्रेंड्स, इसका आंसर है राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है डैश दिस शर्ट बिग फॉर यू, इसका आंसर है इज दिस शर्ट बिग फॉर यू। नेक्स्ट है हिज टॉयज डैश ऑन द टेबल, इसका आंसर है हिज टॉयज आर ऑन द टेबल। और लास्ट सेंटेंस है यू डैश नॉट हिज फ्रेंड, इसका आंसर है यू आर नॉट हिज फ्रेंड। सबके टेस्ट में 10 out of 10 आए कि नहीं? तो आज हमने सीखा इज एम आर को कैसे यूज करना है, उसके लिए एक मैजिकल फॉर्मूला, उसी फॉर्मूला को अप्लाई कर करके आप हजारों सेंटेंसेस बना सकते हो। आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा अगर इस फॉर्मूला को दिमाग में रखोगे। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, तो गाइज अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर भी करें ताकि और लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें, समझ सकें एक मैजिकल फॉर्मूला को। जल्दी ही मिलती हूँ एक और हेल्पफुल वीडियो में।